क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में बुजुर्गों के लिए वार्ड एवं उच्च निर्भरता इकाई कार्डिक केयर यूनिट तथा शिशु स्वास्थ्य वार्ड के लोकार्पण के बाद विधायक सुभाष ठाकुर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जिला बिलासपुर को प्रदेश का स्वास्थ्य हब बनाने के लिए तीव्रता से कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में 14 बिस्तर वाले बुजुर्गों के लिए वार्ड एवं उच्च निर्भरता इकाई के आरंभ होने से वरिष्ठ नागरिकों को इलाज के दौरान अस्पताल में दाखिल होने पर सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं के अतिरिक्त प्राथमिकता के आधार पर वार्ड में बिस्तर उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि दिल की बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल आपातकालीन सभी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस कार्डिक केयर यूनिट लोगों को तुरंत सभी बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। उन्होंने बताया कि इस यूनिट में सभी आधुनिक तकनीक उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपचार के लिए अलग से विशेष शिशु स्वास्थ्य वार्ड को व्यवस्थित किया जाएगा ताकि विभिन्न रोगों से ग्रस्त बच्चों का उपचार के लिए इस वार्ड में रखा जा सके। उन्होंने कहा कि 1351 करोड़ की लागत से निर्मित हो रहे एम्स में आगामी 1.5 वर्ष के भीतर ओपीडी की सुविधाएं आरंभ की जाएंगी। उन्होंने बताया कि लगभग 10 करोड़ की लागत से मात्र शिशु केयर सेंटर बनाया गया है। बागा से उजड़ा, फोर लेन से उजड़ा, अब रेलवे से उजड़ेगा, लेकिन पहली बार इन आजादी के बाद अगर बिलासपुर का विकास शुरू हुआ है तो एम्स के माध्यम से पहली बार विकास शुरू हुआ है, बसाव शुरू हुआ है। अब बिलासपुर टाउन नहीं, अब ये सिटी बनेगा। ये कोठीपुरा से लेके बिलासपुर तक का 8 किलोमीटर का जो एरिया है, ये सारे का सारा शहर बनने वाला है, एक बहुत बड़ी सिटी बनने वाली है। यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरियां भी मिलेंगी, और जो शहर पूरे देश में जिसकी प्रोपोर्शनली अगर आप देखें तो 0.4% इसकी आबादी कम हो रही थी, ऐसा दुनिया का कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां की पॉपुलेशन कम होती थी, ये बिलासपुर शहर का। क्योंकि हमारे जितने भी नौजवान हैं वो बिलासपुर में नहीं रह रहे थे, उन्होंने फ्लैट लिए थे, किसी ने चंडीगढ़ लिया था, किसी ने दिल्ली लिया है, किसी ने गुड़गांव लिया है। बिलासपुर के अनेकों जो हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं वह नौकरी भी कर रहे हैं, उसके साथ यहाँ से वह दूसरी जगह पर भी जा रहे हैं। कारण यही था कि यहाँ का बसाव, यहाँ की प्रगति उन्नति और इस शहर की को बढ़ना वो बंद हो गया था, रुक गया था, वह दोबारा अगर शुरू होगा तो यह सौगात जो आदरणीय मोदी जी के माध्यम से आदरणीय नड्डा जी के हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद जो हिमाचल प्रदेश को एम मिला और बिलासपुर में जो खुला है, इससे यह बिलासपुर जिले का डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ की आर्थिक दशा भी सुधरेगी, राजनीतिक दशा भी सुधरेगी, और यहाँ का मैं कहूँगा कि सामाजिक दृष्टि से भी यहाँ पर बसाव शुरू होगा और बिलासपुर का फैलाव शुरू होगा। ये आने वाले दिनों में हम सभी लोग देखेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ।